भारतीय सेना अध्यक्ष विपिन रावत के साथ शहीद हुए सभी सैनिकों को बजरंग दल के युवाओं ने दी श्रद्धांजलि। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे विपिन रावत। विपिन रावत की आकस्मिक मृत्यु से संपूर्ण राष्ट्र में शोक की लहर। तमिलनाडु के कन्नूर में बुधवार सुबह भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर को ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान और क्वार्टर लीडर कुलदीप उड़ा रहे थे। इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के साथ कुल 13 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। दुर्घटना की खबर लगते ही संपूर्ण देश में शोक की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि विपिन रावत देश के पहले ऐसे सशस्त्र सेना अध्यक्ष थे जिनको देश के युवा अपना आइकॉन मानते थे। दुर्घटना में विपिन रावत की मौत का समाचार सुनकर खनियाधाना के युवाओं ने चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर जाकर विपिन रावत और अन्य सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयघोष के साथ सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमारे देश तीनों देश के तीनों सेनाओं के विपिन जी, श्री विपिन जी रावत जी सेना अध्यक्ष, जो कि आज एक प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया और हमारे 11 जवान शहीद हुए उसमें, और उसी उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है हमारे खनिया धाना के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से। और हमारे लिए ऐसे विपिन जी, श्री विपिन जी रावत जी जैसे हमारे सेना अध्यक्ष मिलते रहेंगे तो और हमारे युवाओं को और प्रेरणा मिलती रहेगी। और भगवान से बारीक कारीक कामनाएं करते हैं कि हमारे देश को ऐसा ही अध्यक्ष मिलता रहे, सेना अध्यक्ष ऐसा ही मिलता रहे। विपिन श्री विपिन जी रावत जी के लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके लिए श्रद्धा अर्पण करते हैं।